नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल रेसिपी, जो कि आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, शायद आपको मिले या कम ही मिले। हमने आज आपके लिए लेकर आए हैं छोला, क्रिस्पी छोला मेयोनीज़ बोल, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी किसी भी फेस्टिवल में इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी छोला बोल बनाने के लिए हमने एक कटोरी लगभग 100 ग्राम भीगा हुआ छोला लिया है, जो कि हमने भिगो दिया था, और अब हमने इसको बॉईल कर लिया है। इसको बॉईल करने के लिए हमने इसमें आंवला पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से बिल्कुल क्रश कर लेते हैं। अगर आपके पास ये ना है तो भी आप बोल कटोरी से या हाथ से आप इसको क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, हमने क्रशर से इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। ये हमारा लगभग 100 ग्राम छोला है उबला हुआ। अब हमने इसमें लगभग 3 चम्मच बेसन ऐड किया है, और लगभग 3 चम्मच ही हमने इसमें मैदा ऐड किया है। कुछ पत्तियां हमने करी पत्ते की ली हैं, जो कि हमने अच्छे से क्रश कर दिया है। ये आधा चम्मच हमने शुगर लिया है। ये सिर्फ हमने टेस्ट के लिए डाला है, इससे मिठास नहीं आएगा, लेकिन जब आपके बोल तैयार होंगी खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए हमने इसमें आधा चम्मच शुगर ऐड किया है। हाफ टी टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स लिया है। हम इसमें अब ग्रीन चिली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तीखा हो सकता है, इसलिए आप डालना चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें हाफ स्पून अमचूर पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हमने छोला मसाला ऐड किया है। हाफ स्पून हमने इसमें काला नमक और सेंधा नमक मिलाकर ऐड किया है। आप कोई भी नमक डाल सकते हैं इसमें। ये हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जो कि हमने चॉप्ड कर लिया है। ये हमने जो कटोरी हमने छोला लिया था वही नाप कर 1/3 ब्रेड क्रम्ब लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इनका डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अगर पानी की आपको नीड ना लगे तो आप छोड़ दें। ये देखिए, ये हमने डो लगा लिया है अपने मटेरियल का। अब इसमें अंदर फिलिंग के लिए हमने जो छोला क्रश किया था वही हमने 2 चम्मच छोला मेयोनीज मिला देते हैं, 1 चम्मच। अब हम इसमें मसालों में थोड़ा सा हमने काली मिर्च ऐड किया है, थोड़ा सा हमने नमक मिलाया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल हाथ पे अप्लाई किया है, और हम छोटी छोटी सी इक्वल साइज़ की बॉल ले लेते हैं। बॉल बनाने के लिए अब हम रोल करके इस तरह से फिंगर की सहायता से हाथ पर फैला लेते हैं, और इसमें जो हमने मेयोनीज मिलाई है वो हम स्टफिंग कर देते हैं अंदर, और इस तरह से इसको कवर करके इस तरह से हम इसकी बॉल बना लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी एक एक करके सारी बॉल बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, वो गर्म हो चुका है। अब हम इनको डाल देते हैं उसमें। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है।
अब हम इसमें एक एक करके अपनी बोल डाल देते हैं। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बाहर से लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे और ब्राउन होने तक हम इनको सेकते हैं। ये देखिए, ये हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर सोख ले। अब हम इसमें अपनी और बोल डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही अच्छी बनी हैं। देखने में ही बढ़िया लग रही हैं, माउथ वाटरिंग बनी हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं। ये क्रिस्पी भी बहुत बनी है। देखिए, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा बहुत क्रिस्पी बनी है। हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंदर से मेयोनीज़ जो हमने भरा है कितना साफ पता चल रहा है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है और आप कभी भी घर में बना सकते हैं इसको। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप बनाइए, कैसी बनती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।